हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बिगनर्स के लिए बेसिक टेलरिंग कोर्स सिखाने वाली हूँ। इस कोर्स में मैं आपको बेसिक बॉडी ग्राफ से अलग अलग बॉडी ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाली हूँ। जैसे कि ये बेसिक बॉडी ब्लॉक फ्रंट है और ये बैक है, तो ये जैसे हमने बेसिक डायग्राम बनाना है, इसके ऊपर हमें अगर हाई नेक, स्टैंड कॉलर या रेगुलर कुछ भी अलग अलग बॉडी बनाना है तो कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है बेसिक ब्लॉक है, जिसमें फ्रंट में मैंने ये नेक दिया है, बैक नेक, स्लीव है, आर्म होल है, तो ये बेसिक है। इसमें अगर हमें स्लीवलेस बॉडी ग्राफ करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो ये हमारा हिस्सा आर्म होल का है, तो ये हिस्सा हमें हाफ इंच ऊपर लेना पड़ता है और फिर यहाँ से इस तरह से आर्म होल देना पड़ता है। तो ये स्लीवलेस के लिए। अगर हमें स्टैंड कॉलर के लिए लेना है तो स्टैंड कॉलर के लिए जो मेरा ये बेसिक ब्लॉक है, ये जो है ये फ्रंट है हमारा, तो यहाँ हमें एक इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है और ये हिस्सा इस तरह से और ऐसे देना पड़ता है। इसके बाद बैक में इस तरह से ये ऊपर लिया जाता है। अगर आपको हाई नेक करना है, पहले हमेशा बेसिक ब्लॉक निकालना ही पड़ता है। हाई नेक के लिए ये हमारा गले का चौकोर है, तो हमें यहाँ से यहाँ जो नेक विड्थ है उतनी ही नेक विड्थ ऊपर बढ़ाना पड़ता है और इसके बाद इस तरह से चौकोर बना के उसके ऊपर आधा इंच सिलाई के लिए देके इसका सेंटर निकालना रहता है और फिर इसके बाद यहाँ से इस तरह से गले का शेप देना पड़ता है। ये जो ब्लॉक है ये हाई नेक ब्लॉक है, यही ब्लॉक से आप अल्टर नेक का भी कर सकते हो। बैकलेस करना है तो बैक में यहाँ से ये इतना ऊपर का हिस्सा कट करके और आगे को हिस्सा जो है इस तरह से हाई नेक स्टाइल में ये आप चाहिए जितना आप ये बढ़ा सकते हो और ये बांध सकते हो। ये अल्टर नेक के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। बोट नेक चाहिए तो जैसे पहले हम बेसिक ब्लॉक निकालते हैं वैसे ही बेसिक ब्लॉक निकाल के लेना है। और अगर बोट नेक हमें करना है तो ये जो हिस्सा रहता है हमारा, ये नेक विड्थ का हिस्सा है, तो यहाँ हमें नेक विड्थ नहीं लेना रहता है। ये जो शोल्डर टिप है हमारा, यहाँ से यहाँ हमें 3 इंच का, साधारण 2 इंच से लेके 3 इंच का ये शोल्डर पट्टी लेना रहता है। और ये जो गला रुंदी है ये जो बेसिक बॉडी ग्राफ है उससे ये ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए हमें पहले ये शोल्डर पट्टी का मेजरमेंट डालना है और उसके बाद आपको आगे पीछे का गला जो है ये साधारण 3 इंच से लेके 4 इंच तक बोट नेक में रहता है। ये ब्लॉक से स्लीवलेस, हाई नेक, स्टैंड कॉलर, बोट नेक, रेगुलर, बैक डीप नेक, ऐसे अलग अलग बॉडी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और इन ब्लॉक से डिफरेंट गारमेंट्स इजी तरीके से कैसे बनाते हैं ये हम आपको इस कोर्स में सिखाते हैं। अभी जो मैंने आपको बेसिक बॉडी ग्राफ के ऊपर जो ये अलग अलग बॉडी ग्राफ एक्सप्लेन किया है, इसके डिटेल वीडियो हम आने वाले वीडियो में बनाएंगे। गारमेंट कटिंग करने के लिए 3 टाइप से गारमेंट मेजरमेंट ले सकते हैं। इसमें पहला तरीका है स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट। इसमें स्टैंडर्ड तरीके से एज के अनुसार या चेस्ट के अनुसार सब मेजरमेंट फिक्स किए जाते हैं और उसी हिसाब से ड्रॉ करना पड़ता है। दूसरा तरीका है गारमेंट के ऊपर मेजरमेंट लेने का तरीका। इसमें जो गारमेंट आपको मेजरमेंट के लिए दिया जाता है उसके ऊपर मेजरमेंट लेके ड्रॉ करना रहता है। तीसरा मेजरमेंट लेने का तरीका है एक्चुअल बॉडी के ऊपर मेजरमेंट लेके ड्रॉइंग करने का है। तो अभी हम आपको एक्चुअल बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है वो दिखाते हैं, उसके ऊपर ड्राफ्टिंग कैसे करना है। अभी हम एक्चुअल बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो दिखाते हैं। इसके लिए मैं पहले वेस्ट लेंथ कैसे निकालते हैं वो दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं पहले वेस्ट में एक डोरी बांध के ले रही हूँ, तो ये वेस्ट लेंथ हो जाएगी। मेजरमेंट लेने के लिए हम इंच टेप का उपयोग करेंगे। ये इंच मार्किंग है और ये सेंटीमीटर मार्किंग है। तो हम पहले लेंथ लेंगे, कोई भी गारमेंट का लेंथ लेना है तो ये जो नेक पॉइंट है यहाँ से आपको जो लेंथ चाहिए वो ले सकते हो। जैसे कुर्ती का लेंथ लेना है नी तक, तो ये कुर्ती लेंथ हो जाएगा। अगर फ्रॉक लेंथ लेना है तो ये फ्रॉक लेंथ हो जाएगा। अगर आपको ए लाइन शेप गाउन करना है या मैक्सी करना है तो ये ग्राउंड लेवल तक लेंथ लेना है। अगर आपको शॉर्ट टॉप लेना है तो ये शॉर्ट टॉप का मेजरमेंट ले सकते हो, जैसे 24 है या 29 है, ये आपकी चॉइस से लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो।
हर गारमेंट का लेंथ अलग अलग आएगा। इसके बाद आपको वेस्ट लेंथ लेना है, ये वेस्ट लेंथ 14 इंच है, उसके नीचे 7 या 8 इंच के आसपास सीट लेंथ रहता है, तो ये सीट लेंथ 20 और वेस्ट लेंथ 14। अभी राउंड मेजरमेंट लेते हैं। चेस्ट मेजरमेंट जो है, जब ब्रीदिंग करके आपको चेस्ट मेजरमेंट लेना है, इसमें ऐसे बढ़ाना भी नहीं है, कम ज़्यादा नहीं करना है, जो है वो लेना है। यहाँ इनका 32 चेस्ट मेजरमेंट है। इसके बाद जहाँ हमने डोरी बांधा, ये वेस्ट राउंड मेजरमेंट है, 27 वेस्ट राउंड मेजरमेंट है, और उसके बाद 36 सीट राउंड का मेजरमेंट है। अभी ये जो मैंने मेजरमेंट लिए, ये बॉडी मेजरमेंट लिया है, इसमें आपको लूजिंग जितना चाहिए उतना लूजिंग डाल के ड्राफ्टिंग करना है। इसके बाद शोल्डर लेना है। शोल्डर मेजरमेंट आप ऐसे करेंगे, हाथ ऊपर नीचे करेंगे, तो आपको एक हड्डी जहाँ पॉइंट मिलता है, ये हड्डी से ये हड्डी, ये आपका शोल्डर मेजरमेंट है। शोल्डर मेजरमेंट 39.5 इंच है। यहाँ से यहाँ ये जो आर्म होल है, इसका सेंटर साधारण निकालेंगे, तो ये मेजरमेंट यहाँ से, ये जो मेजरमेंट है बैक क्रॉस चेस्ट मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट हमें यहाँ का जो पफ है ये निकालने के लिए ये मेजरमेंट हमें लेना पड़ता है, और ये मेजरमेंट हम बॉडी के ऊपर चेक करने के लिए ही यूज करेंगे। ऐसे ही फ्रंट का भी ये मेजरमेंट लेना है। ये फ्रंट का क्रॉस चेस्ट मेजरमेंट है, ये भी हमें बॉडी के ऊपर चेक करने के लिए ही मेजरमेंट यूज करना है। इसके बाद अगर आपको स्लीवलेस बॉडी बनाना है, तो ये यहाँ से ये आपको ऐसे काउंट करना है, 15 ये इनका पूरा आर्म होल है, तो ये 15 इंच हमें बॉडी के ऊपर मेजरमेंट करके लेना है। जैसे कि ये जो मेजरमेंट है, अगर आपको स्लीवलेस करना है, स्लीव नहीं लगाना है, तो यहाँ जो 15 इंच आया था, तो ये आपका ऐसे यहाँ से यहाँ जो है वो 7.5 इंच आना चाहिए। इस तरह से ये आपको कम ज्यादा करना पड़ता है। इसके लिए मैंने ये पूरा आर्म होल का मेजरमेंट लिया है। और ये क्रॉस चेस्ट जो मैंने मेजरमेंट दिखाया था, यहाँ से यहाँ ये मेजरमेंट समझो आपको ये 12-13 इंच है। अभी पीछे का जो हमारा क्रॉस चेस्ट है, ये 7 इंच पे है, अगर सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे तो 6.5 इंच आता है, यानी कि 13 ये बैक क्रॉस चेस्ट है, और 6 जो है यानी कि 12 जो है ये फ्रंट क्रॉस चेस्ट है। तो ये आपको सिर्फ चेक करने के लिए वो मेजरमेंट यूज करना है। ये जो नेक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ ये फ्रंट नेक मेजरमेंट लेना है, ये साधारण 6.5 इंच से लेके 7.5 इंच तक रहता है, यहाँ मैं 7 इंच ले रही हूँ। पीछे का गला जो है, अगर कॉलर का है तो यहाँ आपको 1/2 इंच ही लेना पड़ता है, अगर आपको थोड़ा नॉर्मल गारमेंट बनाना है तो 1.5 या 3 इंच तक ही पीछे का गला लेना है। स्लीव लेंथ ये जो है हाफ स्लीव लेंथ है, अगर आपको एल्बो तक भी लेंथ लेना है तो ये 10 इंच है, अगर आपको 3/4 इंच स्लीव लेंथ लेना है तो 15 इंच है, अगर आपको फुल स्लीव लेंथ लेना है तो ये 21 इंच है। तो इस तरह से आपको जो लेंथ चाहिए वो ले सकते हो। अगर आपको छोटा स्लीव का लेंथ लेना है तो यही आपको राउंड भी लेना है। ये राउंड जब लेते हैं तो ये साधारण जो आपका परफेक्ट मेजरमेंट है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि ये फिटिंग में अच्छा आता है। इसके बाद अगर आपको एल्बो तक लेना है, ये भी आपको रिलैक्स ही लेना है, फिर 3/4 पे लेना है तो ये इतना लूज लेके लेना पड़ता है, क्योंकि आप ऊपर नीचे करते हो तो ये बढ़ जाता है, इसके लिए यहाँ का जो मेजरमेंट है ये थोड़ा ज़्यादा लूज लेना पड़ता है। अगर आपको यहाँ का मेजरमेंट लेना है तो ये यहाँ नहीं लेना है, ये इस तरह से अंगूठा अंदर डाल के यहाँ लेना है मेजरमेंट, फुल स्लीव का मेजरमेंट यहाँ लेना है स्लीव राउंड के लिए। अभी हमने जो ये मेजरमेंट लिए है कुर्ती के लिए ले सकते हैं। अभी अगर फ्रॉक के लिए लेना है मेजरमेंट, तो यहाँ से यहाँ फ्रॉक के लिए ये वेस्ट लेंथ और उसके बाद फुल लेंथ, और ये जो है वेस्ट लेंथ से ये जो है स्कर्ट लेंथ का, अगर आपको ये निकालना है तो वेस्ट लेंथ माइनस करके आपको ये पूरा लेंथ निकल सकता है। जो भी गारमेंट आपका वेस्ट लेंथ से अलग अलग कटिंग में आता है तो आपको ये वेस्ट लेंथ यही लेना है। अभी बॉटम मेजरमेंट कैसे लेना है वो दिखाती हूँ। बॉटम मेजरमेंट में हम सिंपल सलवार, फुल पटियाला, धोती पटियाला या सिगरेट पैंट, इस तरह से कैसे लेना है वो दिखाती हूँ। ये जो है हमारा ग्राउंड लेवल तक ये फुल लेंथ हो गया। इसके बाद धोती पटियाला, फुल पटियाला, सिंपल सलवार, इसके लिए इस तरह से बॉटम लिया जाता है, साधारण 14 या 15 इंच का। अगर आपको चूड़ीदार करना है, चूड़ीदार के लिए ये एंकल में जितना है ये रिलैक्स मेजरमेंट लेना है।
सिगरेट पैंट के लिए चूड़ीदार से थोड़ा सा ज्यादा बॉटम रहता है, तो ये सिगरेट पैंट के लिए इसका बॉटम लेना है। ये जो पहना है ये एंकल लेंथ तक है, तो ये आपको इस तरह से चूड़ीदार से थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, 1.5 इंच। प्लाजो के लिए मिनिमम बॉटम जो रहता है 18 इंच से लेके 22 इंच तक रहता है। ये जो है नी राउंड निकालने का तरीका है, ये जो पैर है आपको यल में अप एंड डाउन करके जो आपको रिलैक्स मेजरमेंट है वो लेना है, ये नी राउंड के लिए है। ये नी राउंड हमें जैसे सिगरेट पैंट बनाना है या चूड़ीदार बनाना है उसके लिए यूज आता है। अभी हम ब्लाउज मेजरमेंट लेते हैं। ब्लाउज मेजरमेंट के लिए हमेशा जो लेंथ है पीछे से लिया जाता है। ये जो है जो डोरी बांधा है ये वेस्ट लेंथ के लिए बांधा है, उससे थोड़ा सा ऊपर रहता है ब्लाउज लेंथ, तो ये 13 इंच ब्लाउज लेंथ है इनका। इसके बाद पीछे का गला जो है वो आपकी चॉइस से 9-10 या आप 6-7 भी ले सकते हो, तो इस तरह से पीछे का गला लेना है। और ब्लाउज में जो है चेस्ट मेजरमेंट जितना पहले आया था उतना ही आएगा, सिर्फ इसमें वेस्ट राउंड का मेजरमेंट अलग आएगा, तो वेस्ट राउंड इसमें यहाँ आएगा 26 इंच वेस्ट राउंड आएगा। यहाँ एकदम फिटिंग रहता है ब्लाउज के लिए, तो इसके लिए हमने 26 इंच ब्लाउज का वेस्ट राउंड लिया है। इसके बाद टक्स लेंथ लेना है, टक्स लेंथ 9.5 इंच, और शोल्डर पट्टी आपकी चॉइस से 2 इंच या 2.5 इंच की ले सकते हो इस तरह से, या आपको स्टैंडर्ड जो शोल्डर पट्टी है ब्लाउज के लिए 2.5 इंच का रहता है। इस तरह से अलग अलग गार्मेंट के लिए बॉडी मेजरमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।